आज की वीडियो है पोल्ट्री फार्म पर कौन कौन से रिकॉर्ड रखने होते हैं और उन रिकॉर्ड को बनाते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। जैसे पोल्ट्री फार्म का तापमान 2 बजे और रात के 8 बजे, इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आप एक डायरी ले लें या एक रजिस्टर ले लें, उस पर आप तारीख लिख दें, फिर उसमें तापमान सुबह या दोपहर 2 बजे और फिर रात के 8 बजे का तापमान कैसा रहा, इसका बहुत फायदा मिलेगा। वीडियो में आपको बताता चला जाऊंगा। चूजे कितने मरे या पक्षी कितने मरे, वो भी आप लिख लें। इससे भी आपको पता चलेगा कि मृत्यु दर जो बढ़ रही है तो इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। तुरंत आप एक्शन में आ सकते हैं। पानी कितना लगा, फीड कितना लगा, पानी और फीड को जब भी आप नोट करें उसका एक वक्त होना चाहिए। जैसे शाम को 8 बजे अगर आप पानी नोट करते हैं टंकी में कितना पानी कम हुआ, तो शाम के 8 बजे का ही वक्त रखें, ऐसे ही फीड के लिए। तापमान अगर पोल्ट्री फार्म पे 1 डिग्री तक बढ़ जाएगा तो पोल्ट्री फार्म पे पानी की खपत 6% तक बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको जब पता चलेगा कि तापमान बढ़ा है और उस वजह से पानी की खपत बढ़ी है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और फिर पानी की खपत कम हो गई या फीड की खपत कम हो गई, तो आप तुरंत ही अंदाजा लगा लेंगे कि कोई परेशानी आने वाली है। आने वाले वक्त में आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं, भारी मोर्टैलिटी से आप बच सकते हैं। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, पानी की जो टंकी के साथ कुछ लोग स्प्रिंकल या फोगर या अन्य जो पानी की सप्लाई है खर्च है वो भी जोड़ देते हैं। इससे पानी की जो सप्लाई है उसका सही अंदाजा नहीं हो पाता और पोल्ट्री फार्मर कंफ्यूजन में रहते हैं और वो बड़े नुकसान का कारण होता है। इसलिए पानी के टैंक की जो सप्लाई है जो चूहे को आ रही है वो अलग कर दें। पोल्ट्री फार्म पे जब आप बर्तन धोते हैं उस वक्त भी जो पानी वेस्ट होता है उसका भी आप अंदाजा आप जरूर लगाएं। वीडियो के नीचे लाइक कमेंट और शेयर की ऑप्शन है, इसमें पार्टिसिपेट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। स्क्रीन वाली वीडियो भी आपके काम की हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।